दोस्तों, क्या होगा अगर आपका सामना पानी के सबसे खूंखार जीवों में से एक मगरमच्छ से हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना है ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले सब्सक्राइब बटन और फिर बेल आइकन को हिट जरूर कर लें ताकि सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। आई होप आप ऐसा कर लोगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सैकड़ों लोग क्रोकोडाइल का केवल इसलिए शिकार बन जाते हैं क्योंकि उन्हें अधूरी जानकारी होती है। आमतौर पर एक इंसान मगरमच्छ का मुख्यतः शिकार नहीं होता, लेकिन अगर मगरमच्छ को मौका मिले तो वो उसको भी नहीं छोड़ता। तो ऐसे में आपको उन एरियाज में जहाँ पहले से वार्निंग हो वहाँ पे कभी जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपका उनसे गलती से पाला अगर पड़ जाता है तो आप अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ फाइट बैक करके अपने आप को बचा सकते हो। हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएंगे जो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। स्टेप 1, आपको हर उस जगह की जानकारी काफी अच्छे से होनी चाहिए जहां आप टहलने या फिर घूमने निकले हैं। मगरमच्छ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जो कि सॉल्ट वाटर के साथ साथ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी तालाब या नदी के किनारे जा रहे हो तो खुद को अवेयर रखें। अगर होर्डिंग के जरिए आपको वार्न किया गया हो तो वहां ना जाएं, क्योंकि बहुत से लोग स्विमिंग और बोटिंग के शौकीन होते हैं और वो इस बात से बेखौफ होते हैं कि वहां हमें वार्न भी किया गया है। दोस्तों, नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट में पता चला कि 95% लोगों की जान सिर्फ इसलिए चली जाती है क्योंकि वो क्रोकोडाइल को हल्के में ले लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं। दोस्तों, मगरमच्छ की कुछ ऐसी लोकेशन होती हैं जो उसे बहुत ही ज्यादा भाती हैं, और इनकी पसंदीदा जगहें वो होती है जहां बहुत सारा कीचड़ हो, पानी का फ्लो कम हो और बहुत सारी झाड़ियाँ हो। और इन सब बातों को ध्यान में रख के आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए कहाँ खतरा हो सकता है। स्टेप 3, दोस्तों वैसे तो एक मगरमच्छ किसी भी समय हमला कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव वो रात के समय में होता है। लेकिन अगर बाय चांस आप अपनी बोट पर निकले हो तो आप अपने फोन की फ्लैश या फिर हेडलैम्प को यूज करके आसपास के एरियाज को चेक कर सकते हो। बोटिंग करते टाइम रोशनी में अगर किसी भी जीव की आंख चमक रही हो तो समझ जाइए कि वो मगरमच्छ है, और ऐसे में आप अपनी बोट को उसके करीब बिल्कुल ना ले जाएं, बल्कि वहीं से यू टर्न ले लें। स्टेप 4, ब्रीडिंग सीजन के दौरान ज्यादा सावधानी बरतना। दोस्तों, एलिगेटर या क्रोकोडाइल सबसे ज्यादा खतरनाक अपने मेटिंग या फिर ब्रीडिंग सीजन के दौरान होते हैं, और इस दौरान वो ज्यादातर अपना समय जमीन पर ही बिताना पसंद करते हैं। एशियन क्रोकोडाइल्स का ब्रीडिंग सीजन मेनली फरवरी से जून के बीच में आता है, और ऐसे में वो अपने अंडों के घोंसले के आसपास भी किसी का भटकना बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे में बोटिंग करते समय आप अपने हाथ या पैरों को पानी में बिल्कुल भी ना निकालें। अगर आपको कोई एलिगेटर या क्रोकोडाइल दिखता है तो उससे कम से कम 15 फीट की दूरी बनाए रखें। स्टेप 5, समय के साथ साथ खुद को भी अवेयर रखें। दोस्तों, याद रहे मगरमच्छ को घात लगाना और अपने आप को छुपाना काफी अच्छे से आता है, और जब वो छुपकर आपको देख रही होती है तो उसकी नाक हमेशा पानी के ऊपर होती है, लेकिन पानी का कलर उसकी स्किन के कलर से मैच होने के कारण वो ठीक से विजिबल नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आप उसे पहचान लेते हो तो आपके लिए दूरी बनाना ही अच्छा होगा। दोस्तों, अगर एक एलिगेटर खतरा महसूस करता है तो वो जोरों से हिस की आवाज निकालता है। ऐसे में आपको उस आवाज के उल्टे डायरेक्शन में भागना है, वो भी बहुत खामोशी और जल्दी जल्दी में। स्टेप 6, अपने पालतू कुत्ते या किसी भी जानवर को क्रोकोडाइल के हैबिटेट में ना जाने दें। ध्यान रहे कि मगरमच्छ छोटे जानवरों की आवाज से काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में आपके लिए अच्छा होगा कि अपने पालतू जानवर को ऐसी जगह जाने ही ना दें। स्टेप 7, छोटे बच्चों को किसी अनजान तालाब या नदी के किनारे बिल्कुल मत जाने दें। दोस्तों, मगरमच्छ को छोटे शिकार काफी ज्यादा पसंद होते हैं, तो अगर आपका ऐसी किसी जगह जाना हो तो इस बात को सीरियसली लें। और अनफॉर्चुनेटली ऐसी जगहों पर क्रोकोडाइल्स का बच्चों पर हमला कॉमन भी है। स्टेप 8, किसी भी मगरमच्छ को खाना खिलाने से बचें। अगर आप किसी क्रोकोडाइल को फीड कराते हो तो उस खाने के साथ साथ वो आपको भी अपना शिकार ही समझेगा, क्योंकि जो एलिगेटर 2 फुट का होता है वो 10 फुट तक का भी हो सकता है, जो कि एक इंसान को काफी आसानी से निगल सकता है। स्टेप 9, अगर आप किसी ऐसे इलाके में कैंप बना रहे हैं जहां मगरमच्छ या एलिगेटर का खतरा ज्यादा हो तो उस कैंप को नदी या तालाब के किनारे से कम से कम 6 फीट ऊपर और 164 यानी कम से कम 50 मीटर दूर बनाएं, और ऐसे में अपने कैंप के आसपास वाले एरिया को ध्यान से चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है किसी पुराने टूरिस्ट का बचा हुआ खाना वहां पड़ा हो, जिससे कि मगरमच्छ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया, और इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें जो कि डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और आपको कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर लेटेस्ट अपडेट हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगली वीडियो में।